लग्जरी बसेस का पूरा मेला लगा हुआ है। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे तिरंगा लगा है। टोटल कैपेसिटी जो बस की है वो है 43 की। ये देखो यार टीवी लगा है बस में। देवी और सजनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। फिलहाल मैं हूँ चंडीगढ़ ISBT 43 पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लग्जरी बसेस का पूरा मेला लगा हुआ है। तो लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड आ जाओ। देखिए लंबा ट्रिप तो नहीं हो पा रहा, पर फिर भी जो चंडीगढ़ से देहरादून वाला रूट है वो मैं आज आपको एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, वो भी UTC यानी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की वॉल्वो लग्जरी बस में। बस का टाइम यहाँ से 2:25 पे है। गर्मी बहुत हो रही है, टेम्परेचर तो 34 डिग्री से चलो लेकिन एकदम सर के ऊपर धूप है। तो बस का वेट करते हैं, अभी कुछ 2:45 के आसपास बज रहे हैं। अगर आप अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं चंडीगढ़ से देहरादून या देहरादून से चंडीगढ़ तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। रूट काफ़ी अच्छा है। वैसे एक बार रात को मैं इस रूट से गया था जब मैं मनाली हरिद्वार वीडियो कर रहा था, तो दिन में देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और भाई उत्तराखंड जा रहे हैं यार, मज़ा तो आएगा, समझ रहे ना, आपको पहाड़ों के नज़ारे मिलेंगे पूरे। फिलहाल तो यार मेरे को अपनी बस ढूंढने दीजिए, क्योंकि मेरे को बस कहीं पार्किंग पे भी नहीं मिल रही, प्लेटफॉर्म पे भी नहीं मिल रही। इनकेस बस नहीं मिलती तो अपन को कहीं और जाना पड़ेगा यार। और चंडीगढ़ ऐसा बस स्टैंड है कि जहाँ पे आपको पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, हिमाचल रोडवेज, फिर उत्तराखंड रोडवेज, जम्मू कश्मीर, फिर CTU, मतलब हर जगह की बसेज आपको मिल जाएगी। और ऑब्वियसली चंडीगढ़ स्मार्ट सिटीज है, आसपास की जो स्टेट्स है उसमें तमाम लोग ट्रैवल करते हैं डेली, भले काम वाम के लिए बोले आप। तो बस जो है वो यहीं कहीं पे लगेगी पार्किंग पे। मेरे को बस मिल गई, सामने खड़ी है मेरे, जैसे ही लगती है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, अब रहा नहीं जा रहा। बस मेरे को वॉल्वो बस की आरामदायक सीट में बैठना यार अभी। बस अपनी निकलने को एकदम तैयार है, प्लेटफॉर्म नंबर 1A पे आई है। तो अगर आपको जाना है तो इसी प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, लगे हाथ आपको टिकट मिल जाएगी। टिकट की प्राइस है वो है 662 रुपीस, कंडक्टर जी ने मेरे को दे दिया, सामने की सीट ही मिल गई। तो अपना जो रूट है आज है नाहा नारायणगढ़ पाउटा साहेब। लास्ट टाइम जब मैं ट्रैवल कर रहा था ना इस रूट पे, तब मैंने पनौती साहेब बोल दिया था, बुरा भी लगा था मेरे को, काफ़ी लोगों ने बोला भी था मेरे को। तो जो भी है इस रूट से ट्रैवल करने वाले हैं 225 किलोमीटर के आसपास कवर करेंगे सिर्फ 5 घंटे में। UTCs के साथ मैं 2 जर्नीज ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक रूट था देहरादून दिल्ली, एक रूट था हल्द्वानी दिल्ली। दोनों जर्नीज यार बहुत ही फैंटास्टिक थी, UTC की सर्विस मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो उम्मीद है कि आज भी वो सर्विस अपना वो मेंटेन करे। फिलहाल चलते हैं बस के अंदर और आपको इंटीरियर दिखाते हैं। देख सकते हैं बस ऐसी है, वोल्वो B8R है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे तिरंगा लगा है, हर घर तिरंगा के तहत ये कैंपेन चलाया गया था। ये वोल्वो B8R है और कुछ इस तरह से है। तो सीट्स कुछ इस प्रकार से, इसमें आपको 2x2 सीटिंग मिल जाता है, ये बीच में 2 इमरजेंसी एग्जिट के सीट्स खाली है। टोटल कैपेसिटी जो बस की है वो है 43 की। ओ भाई साहब ये देखो यार टीवी लगा है बस में, मतलब इतना तो कभी सोचा नहीं था कभी वॉल्वो B7R में कोई सरकारी मतलब कोई रोडवेज टीवी लगाएगा यार, मतलब औसम यार, अमेज्ड बाय योर सर्विस। देखिए हर सीट में इसमें आपको टीवी मिल जाता है, हालांकि अभी ऑन नहीं है, पर हाँ देख सकते हैं एकदम सोवो के टीवी देख के आप अपनी जर्नी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें आपको वैल्यू फॉर मनी ज़रूर मिलेगा। एमिनिटीज़ के नाम पे देख लेते हैं, यहाँ पे रीडिंग लैम्प, AC के वेंट्स, ये सब आपको दिए गए। अब चलते हैं भैया हम अपने सीट पे। चंडीगढ़ से जो है फिलहाल अपन निकल गए हैं, और जब भी मैं चंडीगढ़ आता हूँ तो यहाँ पे रहने का मन कर जाता है क्योंकि रास्ते जो है इतने अच्छे हैं, वेल प्लान्ड है बिल्कुल। तो आज की जर्नी में अपन टोटल 3 स्टेट्स को क्रॉस करेंगे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और लास्ट में उत्तराखंड।
दोस्तों इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं जलौली टोल प्लाजा। एंड टोल को लेके एक बात मेरे मन में थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। टोल टैक्स जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि फ्यूचर में जो टोल टैक्स नहीं रहेंगे, एक GPS बेस्ड सिस्टम आएगा जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपने कितना डिस्टेंस हाईवे पे कवर किया है सैटेलाइट के थ्रू, और फिर उसी हिसाब से टोल लेगा। मगर टोल टैक्स जो है बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि टोल में कुछ फैसिलिटीज़ जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, फर्स्ट एड किट या वॉशरूम जैसे चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली इन फ्यूचर नहीं रहेंगे। आपकी क्या राय है बताइए कमेंट्स में। दोस्तों शाम के जो है 4 बज रहे हैं, हम पहुंच गए हैं शाजतपुर। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। बढ़िया चले हुए थे 4-lane highway पे, बढ़िया स्पीड पे, लेकिन आगे की जर्नी 2-lane road से होगी। अभी हमने जस्ट नारायणगढ़ क्रॉस किया, फिलहाल अपन हरियाणा में, बट कुछ ही देर में आएगा कालाम, वहाँ से हम एंटर हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। जर्नी तो 5 घंटे की है, लेकिन बीच में एक ब्रेक छोटा सा बनता ही है, एक चाय पानी का ब्रेक लिया हमने छोटा सा। यहाँ पे मैं पहले भी रुका था, मेरे को रेस्ट स्टॉप देख के याद आ गया कि जब मैं जर्नी कर रहा था मनाली से हरिद्वार, तब यहाँ पे रुके थे अपन सुबह 4 बजे के आसपास। ये भी याद है कि बढ़िया चाय पिलाई थी, तो चाय जो है फिर से पियेंगे। बाकी देखिए यार मज़ा बहुत आ रहा है, ड्राइविंग एक तो बहुत बढ़िया है, ऊपर से ये जो रोड है ये मेरे को दिन में देखने को मिल रहा है। तो बस कुछ चाय पानी करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बसें आ गई, ये शायद चंडीगढ़ की बस है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। ये जो है देहरादून से चंबा जा रही है वाया चंडीगढ़, और ये अपनी जा रही है देहरादून, वो जा रही है पांवटा साहिब।
हिमाचल में एंटर होने के बाद जर्नी बहुत ही प्यारी चल रही है, नज़ारे बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट आया जहाँ पे लेफ्ट की ओर चला जाता है नाहन सिटी, जबकि हम जाएंगे राइट की ओर। दोस्तों नाहा क्रॉस करने के बाद मैंने एक बहुत ही प्यारा सा रिजॉर्ट देखा जो कि था एक लेक व्यू रिजॉर्ट, नाम था जय क्लार्क्स एक्जॉटिका। रिजॉर्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, उम्मीद है कि कभी यहाँ पे आके एक रात रुक पाऊँ। शाम के फिलहाल 6 बज रहे हैं, अपन पहुंच गए हैं पांवटा साहिब। फिलहाल अपन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये जगह जो है एक गुरुद्वारे के लिए बहुत फेमस है जो कि है पांवटा साहिब गुरुद्वारा। ये जो है यमुना नदी के किनारे बनाया गया है और काफ़ी लोग बाहर से जो है यहाँ पे आते हैं। ये क्रॉस करने के बाद अपन उत्तराखंड एंटर हो जाएंगे और देहरादून लगभग मैं कह सकता हूँ यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास। यमुना रिवर और देवभूमि हिमाचल से एंटर हो गए देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों हम आगे हैं धर्मवाला चौक पे जहाँ पे राइट की ओर चला जाता है सहारनपुर जो कि लगभग 60 किलोमीटर है और अब देहरादून ज़्यादा दूर नहीं।
शाम के जो है 7:30 बज गए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आपका स्वागत है। मीनवाइल जब मैं कंफर्म कर रहा था कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, मेरे को पता चला कि उत्तराखंड के 2 कैपिटल होते हैं। अब इसका क्या माजरा है, आप होमवर्क करके मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। अब ये दोनों कैपिटलों का क्या सीन है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, थोड़ा होमवर्क तो कीजिए। यूटीसी एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त। स्पेशली जो ड्राइविंग था वो बहुत मज़ेदार था, मतलब मेरे को क्या दिल से मज़ा आ गया। तो फिलहाल मैं उतर चुका हूँ ISBT के बहुत ही नज़दीक, बस अंदर नहीं गई, बस अभी कहीं बाहर चली गई दूसरी तरफ, तो उतर गया हूँ। यहाँ से मेरे को एक रेस्टोरेंट पता है, लास्ट टाइम दिल्ली दरबार, वहीं से मैंने लंच किया था, प्रोबेबली वहीं जाऊँगा क्योंकि खाना काफ़ी अच्छा था। और फिर ट्रेन बोर्ड करके आज रात को आराम से सोना है, क्योंकि ऑब्वियसली कल की जो जर्नी उसके लिए बहुत सारा रेस्ट रिक्वायर्ड है। आपका ये ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। आपको अगर कुछ जरूर सजेस्ट करना है तो कर दीजिए कमेंट में, ट्राई करूंगा करने का। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।